हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे रियलमी 11 प्रो के बारे में। फाइनली रियलमी 11 प्रो सीरीज की दो फ़ोन इंडिया की BIS सर्टिफिकेशन के ऊपर लिस्ट कर दी गई है। पहला है रियलमी 11 प्रो एंड दूसरा है रियलमी 11 प्रो प्लस। रियलमी 11 प्रो प्लस के बारे में ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस वीडियो पे डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए आज हम बात करेंगे रियलमी 11 प्रो के बारे में, जो कि रियलमी 10 प्रो से काफ़ी कुछ अपग्रेड के साथ आने वाला है। सो अगर आप लोग ये फ़ोन को लेकर एक्साइटेड हो सो ये वीडियो आप लोग एंड तक देखते रहना। सबसे पहले इस बार ये फ़ोन काफ़ी डिफरेंट लुक एंड डिज़ाइन के साथ आने वाला है। इस बार बैक में सर्कल कैमरा मॉड्यूल हमें देखने को मिलेगा, जो कि रियलमी के नंबर सीरीज से काफ़ी हटकर रहने वाला है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस बार रियलमी के फ़ैन को ये लुक एंड डिज़ाइन पसंद आता है या नहीं आता है। फिलहाल आपका क्या ओपिनियन होता है, आप लोग अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अंदर की स्पेक्स की बात करें तो इस बार प्रो वाले वेरिएंट में ही 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस के साथ एक कर्व एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, और ये डिस्प्ले 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ होगा। यानी कि देखा जाए तो डिस्प्ले काफ़ी कमाल का रहने वाला है, क्योंकि प्रो वाले वेरिएंट में फर्स्ट टाइम 120 हर्ट्ज विद कर्व डिस्प्ले देखने को मिलेगा। कैमरा डिपार्टमेंट की तरफ आते हैं तो ये फ़ोन ट्रिपल रियर कैमरे के साथ आने वाला है, जहाँ पे 108 मेगापिक्सल की प्राइमरी शूटर हमें देखने को मिलेगी, 8 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड एंगल एंड 2 मेगापिक्सल की हमेशा की तरह मैक्रो शूटर। अब देखा जाए तो 108 मेगापिक्सल वाली जो प्राइमरी शूटर होगी वो हमेशा वाले 108 मेगापिक्सल से थोड़ा सा डिफरेंट काम करने वाली है, क्योंकि इस बार इसे बेटर तरीके से ऑप्टिमाइज किया जाएगा। यहीं पे फ्रंट पे 16 मेगापिक्सल की सेंटर पंचल वाली सेल्फी दी जाएगी, यानी कि कैमराज इस बार डिसेंट रहने वाले। परफॉर्मेंस की तरफ आते हैं तो इस बार प्रो वाला वेरिएंट डायमेंसिटी 1080 वाले प्रोसेसर के साथ आएगा, जिसके साथ प्रीवियस वर्जन रियलमी 10 प्रो प्लस आया था। अब देखा जाए तो ये प्रोसेसर के अंतर्गत बेंचमार्क स्कोर 500,000 से ऊपर जाता है, तो परफॉर्मेंस ठीक ठाक ही देगा। बाकी 5000 mAh की बड़ी सी बैटरी होगी और इसे चार्ज करने के लिए 67 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया जाएगा, जो कि 35-40 मिनट के आसपास आपकी बैटरी को फुल चार्ज करने वाला है। तो ये कुछ हाइलाइटेड स्पेक्स हमें देखने को मिलेंगे रियलमी 11 प्रो पे। अदर स्पेक्स की बात कर ले तो यहाँ पे डुअल स्टोरेज स्पीकर, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, 3.5mm जैक चांसेस है कि मिल सकता है प्रो वाले वेरिएंट के साथ, एंड 6 128GB की बेस वेरिएंट से स्टार्ट होगा एंड विद बॉक्स अपने लेटेस्ट UI के साथ आने वाला है। तो ये कुछ ओवरऑल स्पेक्स हमें रियलमी 11 प्रो के साथ देखने को मिलेंगे। अब बात कर ले कि ये फ़ोन कब तक एंड किस प्राइस पॉइंट तक इंडिया पे आएगा, तो लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि ये फ़ोन मई एंड जून के आसपास हमें इंडिया पे देखने को मिलेगा, और इसकी बेस वेरिएंट की प्राइसिंग इंडिया के अंदर 22,000 या 23,000 के आसपास तक हमें इंडिया पे देखने को मिल सकती है। फिलहाल देखते हैं ऑफिशियली तरीके से क्या होता है, लेकिन आपका क्या ओपिनियन होता है आप लोग अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो ये था गाइज यहाँ पे रियलमी 11 प्रो प्लस से जुड़े काफ़ी सारे डिटेल्स। तो होप यू गाइज आज का ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आओ तो लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, एंड मिलते गाइज हम लोग अगले फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।